नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं कुछ ऑटोमोटिव का जो गाड़ियां है, जो ऑटो सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये एयर क्लच सिस्टम क्या होता है और ये काम कैसे करता है, इस पर हम थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देंगे। तो हमने यहाँ पे एक मास्टर सिलेंडर, ये रहा मास्टर सिलेंडर, और यहाँ पे क्लच बूस्टर बना के रखा है जिसमें एयर सिस्टम पे काम करती है उसके लिए। तो ये हमारे पास एक मास्टर सिलेंडर है जो एक ये अपना क्लच बूस्टर है, ठीक है, ये वाला क्लच बूस्टर है और एक ये मास्टर सिलेंडर है। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एयर क्लच सिस्टम है तो इसमें फ्लूइड भी है और एयर भी है, ताकि ये स्मूथ, बड़ी गाड़ियों में जिसके अंदर में एयर प्रेशर का टैंक लगा रहता है और उसमें ये काम करता है। तो कैसे काम करता है थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तो जैसे हमने अभी क्लच का मैंने बताया, जैसे ये क्लच सिलेंडर मास्टर सिलेंडर है, ठीक है, ये टीवीएस कंपनी का, कोई भी कंपनी का क्लच मास्टर सिलेंडर हो सकता है। और देखो मैंने इसका पिस्टन भी बाहर निकाल लिया, तो पिस्टन बाहर निकालने के बाद में ये आप देख रहे होंगे एक ये ओरिंग लगी हुई है और एक यहाँ पे ओरिंग लगी रहती है, ठीक है, सीलिंग रिंग भी इसको बोलते हैं, और एक साथ में स्प्रिंग लगा रहता है और इसके ऊपर फ्लूइड टैंक रहेगा या कहीं और फ्लूइड टैंक रहेगा और उससे पाइपलाइन यहाँ पे जुड़ा रहता है। एक लाइन यहाँ रहेगा और दूसरा जो आउटलाइन होता है ये वाला, तो ये यहाँ रहेगा, हो सकता है किसी भी यहाँ दे दे, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फिर से ये स्प्रिंग है, ये पिस्टन है, ये सीलिंग रिंग है, ठीक है, इसको आप ओरिंग भी बोल सकते हो, पिस्टन किट भी बोला जा सकता है इसको, और ये खोखला जो है ये सिलेंडर है, आज तक ये सिलेंडर इसी को बोलते हैं, किसी खोखले पदार्थ को। तो ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे ये अपना जो हिस्सा है, हमने जैसे इस वाले सिलेंडर में आपको बताया कि या तो यहाँ पर फ्लूइड का टैंक रहेगा या कहीं एक्सटर्नल टैंक लगा रहेगा और फ्लूइड की लाइन यहाँ पे पाइपलाइन जुड़ी रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे रख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये पिस्टन को यहाँ से हम लोग प्रेस करते हैं, तो ये अपना क्लच मास्टर सिलेंडर हो गया। तो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इस टैंक के अंदर में पूरा फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और हम इस लाइन को भी फ्लूइड से भर देते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने फ्लूइड भर दिया, ये हो गया। अब उसके बाद में जब हम क्लच को पैडल करते हैं, ठीक है, क्लच को रिलीज करने के लिए जब हम पहले पैडल करते हैं तो क्या करता है कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन, ये ब्लैक वाला जो है इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, किसी में स्प्रिंग हो, छोटी गाड़ी में भी नहीं हो सकता है। तो ये जैसे हम इसको पिस्टन को आगे की ओर मूव कराएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोलिक ऑयल यानी कोई भी पदार्थ जो कंप्रेस करने पे कंप्रेस न हो उसको हाइड्रोलिक फ्लूइड बोला जा सकता है। तो इसमें फ्लूइड हमने भर रखा है और जैसे हम पैडल को यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से इसको जाएगा, तो यहाँ तक तो पूरी ऑयल भरी हुई है। जब हम इस पैडल को प्रेस करेंगे तो ये आगे की ओर यहाँ आएगा, तो ये क्या होगा कि यहाँ से सीलिंग लॉक हो जाएगी, ठीक है, ये लॉक हो गई। तो यहाँ के जो ऑयल है हम इसको दबाएंगे तो ये ऑयल को धक्का आगे की ओर देगा, ठीक है, तो हमारा फ्लूइड जो है आगे की ओर यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फ्लूइड जो है यहाँ पे एक्ट करेगा तो यहाँ से हमारा एयर का लाइन जो होता है ये बूस्टर में आ गए, हम यहां से क्लच मास्टर सिलेंडर यहां से हमारा रिलीज कर दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये बूस्टर जो है, ये वाला बूस्टर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बूस्टर क्या होता है, इसमें हमने बताया कि एक एयर लाइन है, एक फ्लूइड लाइन है, ठीक है। तो हम जब यहां से फ्लूइड को दबाते हैं, ठीक है, इसमें आप समझ लो, फिर उस पर हम आपको क्लियर करेंगे। तो जैसे हमने हमारा यहाँ से जो पेडल किए और यहाँ से फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे एक्ट करेगा, एक्ट करने के बाद में यहाँ पे एयर वाल्व को, यहाँ पे एक वाल्व लगी होती है, तो इसको दबाएंगे तो एयर लाइन को रिलीज कर देगा और एयर लाइन इसके अंदर भर जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे एयर लाइन भरेगा तो अपना ये पिस्टन जो है मूवेबल है, तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है,
आगे की ओर बढ़ेगा और इसमें जो एयर है इसके द्वारा बाहर होता है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, तो ये ब्रीदिंग पॉइंट है। तो यहाँ से एयर छक से जो आवाज करती है क्लच दबाने के बाद, तो ये वाले लाइन से, ठीक है, ये देखो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं क्लियर किया हूं, ये वाले लाइन से ये अंदर का एयर यहां से बाहर हो जाता है और ये पिस्टन पूरा आगे को कंप्रेस हो जाता है। जब पिस्टन आगे को कंप्रेस होता है तो हमारा क्लच रिलीज हो जाता है। उसके बाद में जैसे हम पैडल को छोड़ते हैं और ये फ्लूइड हमारा पीछे की ओर आता है, तब उस समय में यहां से एयरलाइन आगे को एक्ट करता है और ये पीछे से यहां से फिर ये एयर को फेंक देता है। तो इट मीन्स ये पावर एयर सिस्टम है, तो इसमें ये काम करता है इजी वे में, मतलब समझिए आप इन चीजों को। तो मैंने वहां तक आपको बताया कि ये ऐसे हुआ। उसके बाद में ये पिस्टन जब आगे की ओर जाता है तो यहां से ये रिटर्न लाइन हो जाती है और यहां से एयर पास हो जाता है। जब हम इसमें छोड़ेंगे, जैसे यहां से प्रेशर जब रिलीज होगा, जब हम पैडल को छोड़ देते हैं तो एयरलाइन वाली यहां से, तो हमारा ये पिस्टन वापस को आएगा और ये लाइन आगे की ओर यहाँ पे एयर भरती है, तो ये पूरा पीछे की ओर रिलीज होता है और यहां से ये पीछे निकल जाता है। यहाँ पे थ्री वे का एक वाल्व लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है, थ्री वे का वाल्व रहेगा, तो यहां से एयर को रिलीज कर देता है और अपना क्लच स्मूथ जैसे दबाते हैं वैसे काम करता है। तो क्लच मास्टर सिलेंडर को आप रिपेयर भी इजी वे में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा ये क्लच मास्टर सिलेंडर में, तो ये जो देखो यहाँ पे जो खोखले पदार्थ है इसमें तो हमने ऑयल भर के रखा है, ठीक है, और जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑयल को आगे की ओर लेके जाता है। जब और आगे की ओर लेके जाएगा तो यहाँ पे फिर एक्ट होता है, उसके बाद में अपना बूस्टर काम करता है। तो ये एयरलाइन है। अगर आपके गाड़ी में क्लच रिलीज की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि इस वाले पॉइंट पे अपना टैंक का जो एयर आता है टैंक से, ठीक है, यहां पे जो टैंक से एयर आता है वो मिनिमम कितना चाहिए, 6 bar पे तो कम काम करेगा, ये 7 bar 7+ होना चाहिए। 7+ bar होगा तो आपका क्लच एकदम प्रॉपर इजी स्मूथ में काम करता है, ये वाला सिस्टम, ठीक है। अगर आपका क्लच में सिलेंडर अगर किट कट जाए तो हो सकता है कि आपका यहां से ऑयल बाहर निकलने लग जाए, तो भी आपको दिख जाएगा। अगर क्लच में प्रॉब्लम इंटरनल ये वाली रिंग कट जाती है तो आपका मास्टर सिलेंडर काम नहीं करेगा। जैसे हम आगे की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पे गैप बनेगा और फिर यहां से प्रेशर जो है टैंक को रिलीज कर देता है और अपना पैडल जो है स्मूथ काम नहीं करता है। चलिए हम आपको अभी प्रैक्टिकल ले चल के दिखाते हैं कि आपको इजी वे में कैसे आप इसको अडेप्टी करोगे, कैसे काम करता है सिस्टम, ये हम आपको चेक करा देते हैं। ये गाड़ी का इंटरनल डैशबोर्ड है और ये मैं आपको एयर वाला क्लियर करता हूँ। देखो एयर का प्रेशर ये 6 और 10, ये 8 के बीच में है, 8 पे अपना है, तो इज अ बेटर। आपका क्लच हार्ड होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको एयर देखना होता है, ठीक है, उसके बाद ये क्लच इंटरनल व्यू है, आप देख सकते हो हमने क्लच को रिलीज करा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसमें आपको क्लियर दिख रहा है ये जो क्लच बूस्टर लगा हुआ है, इसमें दो लाइन आपको देखो, ये दो लाइनें लगी हुई हैं। देखो ऊपर वाली फ्लूइड की है और नीचे वाली देखो एयर की लाइन है, ठीक है, तो ये काम उसी तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे ही काम करता है। और इसका मैं एक बार ऑपरेशन करा के आपको चेक करा देता हूँ कि कैसे एयर ब्लीडिंग कहाँ से करता है, कैसे चलता है। और इसका फ्रॉक अंदर होता है तो आपको दिखेगा नहीं, वो मैं कभी गियर बॉक्स उतारूंगा तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा।
तो इसके आप साउंड पे ध्यान देंगे आपको पता चलेगा कि जैसे क्लच इंगेज होता है डिसइंगेज होता है दोनों टाइप में अपने यहाँ से आवाज़ आता है और ये रिलीज करता है इस तरह से क्लच काम करता है। दोस्तों अभी हमने आपको क्लच मास्टर सिलेंडर एंड क्लच बूस्टर का जानकारी दिया कि ये कैसे काम करता है और हो सकता है कि ये पाइपलाइन मैंने आपको दिखाने के लिए सीधे सीधे रखा है ताकि आपको एक्स समझ में आ जाए कि यहाँ से क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।